दोस्तों सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहे वो लाइफ हो या गेम, हर चीज को करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। और अगर आप इस क्राइटेरिया से इधर उधर हो जाते हैं तो सक्सेस का तो पता नहीं, लेकिन आप जीत कर भी हार जाते हैं। लेकिन शायद ये बात कुछ लोग नहीं समझते और बड़े बड़े गेम्स में चीटिंग करने से बाज नहीं आते। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एथलीट से मिलवाएंगे जिन्होंने इतने बड़े लेवल के गेम्स में चीटिंग की और उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो का पूरा मजा उठा पाए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। बोरिस ऑनिश चेंको। दोस्तों 1976 के मॉन्ट्रियल समर गेम्स में रशियन पेंट एथलीट बोरिस ने कई गेम्स में पार्टिसिपेट किया। जब वो ब्रिटेन के खिलाफ खेल रहे थे तब ब्रिटिश टीम ने कंप्लेंट की कि बोरिस को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं, और कंप्लेंट के बाद उनकी तलवार को शिज करके एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। फिर जो पता चला बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि बोरिस की तलवार इस तरह मॉडिफाई हुई थी कि बिना टच करे सर्किट कंप्लीट हो सके। दोस्तों इस तरह के खिलवाड़ के लिए उस पर किसी भी प्रोफेशनल गेम में खेलने से मना कर दिया गया और बैन लगा दिया गया, उसके सारे मेडल्स भी छीन लिए गए। ईस्ट जर्मन फीमेल लवर्स। दोस्तों 1968 में ग्रेनोबल गेम्स के दौरान ऑट्रम एंडरलेन वुमेन्स लग टीम की मेंबर थी और इस गेम में एंडरलेन को फर्स्ट रैंक मिली, जबकि उनकी टीम मेंबर्स को सेकंड और फोर्थ। बाद में यह पाया गया कि उन्होंने अपने स्लेट्स की रेल्स को केमिकल द्वारा हीट किया था जिससे आइस पर उनका फ्रिक्शन कम हो गया और इसी वजह से वो रेस जीत गए। लेकिन बाद में उनके इस फ्रॉड के बारे में पता चल गया और उनकी टीम मेंबर्स से सारे मेडल्स छीन लिए गए और इन तीनों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। सर्जियो मोर्सोनेंग। दोस्तों मैराथन रेस में अगर आपको प्राइज जीतना है तो आपको टॉप 10 आना होगा। सर्जियो नवा स्थान पाकर प्राइज मनी के हकदार बन गए, लेकिन जब बाद में गेम का रिव्यू हुआ तो देखा गया कि ये बार बार मैराथन से गायब हो रहे थे। हालांकि खाना पीने के लिए लोग बीच बीच में हट जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी लंबी दौड़ लगाने के लिए कुछ खाना पीने या फिर टॉयलेट वगैरह जैसी चीज़ों के लिए रुकना पड़ जाता है, लेकिन सर्जियो बार बार अपनी जगह से हटे जा रहे थे। और फिर जब ठीक से देखा गया तो कुछ पिक्चर सामने आई जिसमें पता चला कि उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी घड़ी एक हाथ में पहनी थी, फिर जब दोबारा वापस आए तो उन्होंने अपनी घड़ी दूसरे हाथ में पहन रखी थी। जब इस चीज़ की जांच हुई तो पता चला सर्जियो जब वहाँ से गायब हुए थे तो उनके जुड़वा भाई उनकी जगह दौड़ने लगे, जिसकी वजह से ये जीत गए। लेकिन ये बात का पता चलते ही उन्हें मैराथन से बैन कर दिया गया और उनके मेडल्स भी ले लिए गए। दोस्तों हमें यकीन है कि आप लोगों ने इस तरह की चीटर्स को देखा होगा, अगर हाँ तो कमेंट में बताना ज़रूर। डियागो माराडोना। दोस्तों किसी भी फुटबॉल प्लेयर की तरह ये भी बहुत फेमस है, लेकिन 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा। हुआ यूं कि किसी भी फुटबॉल मैच में प्लेयर को अपने हाथों का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है। आप किसी और चीज़ से बॉल को हिट कर सकते हैं सिवाय अपने हाथों के, लेकिन जब ये फुटबॉल खेल रहे थे तो डियागो के सामने वाली टीम का प्लेयर बॉल को अपने पास ले जा रहा था, तभी डियागो ने बॉल को अपने हाथों से मारा और बॉल सीधे नेट को छूती हुई चली गई। लेकिन बाद में ये क्लेम हुआ कि ये गोल हाथों से हुआ है, और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे हाथ लगे थे, लेकिन आधा फोर्स मेरे हाथ का लगा था और आधा फोर्स सामने वाली टीम का, जिस वजह से बॉल गोल में चली गई। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। फेमके वान डैन ड्रिसच। दोस्तों जैसे कई सारे प्लेयर्स ड्रग्स लेकर आगे खेलते हैं ताकि उनका एनर्जी लेवल हाई हो जाए, उसी तरह इस प्लेयर ने अपनी साइकिल के एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए अलग तरह का इंजन इस्तेमाल किया जो बिना किसी एफर्ट्स के साइकिल को तेजी से चलाने में मदद कर रहा था। और जब ये इस साइकिल के साथ आगे बढ़ रहे थे तभी उनके एक फ्रेंड ने उन्हें धक्का मारा और जैसे वो गिरे वैसे ही इंजन साफ दिखने लगा, फिर रेसिंग कम्युनिटी ने इन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़।